आज का ये टॉपिक आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा है अगर आप एक देश से दूसरे देश की यात्रा करना चाह रहे हैं, या आप लोग घूमने जा रहे हैं, या फिर आप देखेंगे कि आपका 2020 किस तरह से गुजरा है, कोरोना महामारी ने किस तरह से गुजारा है, आप समझ रहे हैं। तो आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा में भी क्वेश्चंस आ सकता है और लिखित परीक्षा में भी कोरोना से रिलेटिव क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक शब्द काफ़ी चर्चा में है, वैक्सीन पासपोर्ट, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत समय तक हम लोग अपने देश की सीमाओं को बंद नहीं रख सकते हैं। हमारे देश के कई आप लोग देखते हैं कि बाकी देशों में भी रहते हों, फिर चाहे आपके खाड़ी देश हों या अमेरिका की बात कर लीजिए आप लोग, तो हमें एक तरह से खोलना होगा। और आप जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में पर्यटकों का एक बहुत बड़ा योगदान है, समझ रहे हैं। तो कई देशों ने एक तरह से, डेनमार्क हो गया, फिर चाहे आपका चाइना हो गया, अमेरिका, इस तरह की पहल की बात की है कि इससे मालूम चल सके कि उसने वैक्सीन ली हुई है। अभी आपने देखा होगा कि आप अगर कहीं से कहीं जाते थे तो आपको क्वारंटीन होना पड़ता था कुछ समय के लिए, लेकिन इस तरह के आप कब तक कर सकते हैं। तो इस तरह की वैक्सीन पासपोर्ट की एक नई नीति एक तरह से लाई जा रही है, ठीक है, और इस पर सहमति आपकी WHO ने भी एक तरह से व्यक्त की है, फिर चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी कहा है, समझ रहे हैं, ये आपका वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भी इस तरह की पहल की बात की है, तो इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें ये देखेंगे हमारा प्यारा भारत, एशिया में पड़ता है ना हमारा प्यारा भारत। अपने पड़ोसियों की बात करें तो ये आपका श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। नीचे आप देखेंगे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, लक्षद्वीप सागर। दुनिया भर की सरकारें कोरोना वायरस से सुरक्षित लोगों की पहचान कर अर्थव्यवस्था को पुनः शुरू करने के लिए वैक्सीन पासपोर्ट के संभावित उपयोग पर विचार कर रही है। और याद रखिए, पासपोर्ट या वैक्सीन पासपोर्ट, इस तरह की कितने भी कठिन शब्द हों, उन्हीं शब्दों में उनकी परिभाषाएं छुपी रहती हैं। पास का मतलब क्या होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई पास बनवाते हैं ना, आप लोग देखते थे कि आप लोगों ने कैंटीन में भी पास बनवाया जाता था, लाइब्रेरी का भी पास बनवाते हैं आप लोग, तो उसी तरह से आप कह सकते हैं कि वैक्सीन तुमने ली है या नहीं ली है इसका पता चल सके, इसीलिए वैक्सीन पासपोर्ट की बात की जा रही है। अभी वैसे आप लोग एक देश से दूसरे देश जाते थे तो पासपोर्ट बनवाते थे, ठीक है, उसी तरह का एक शब्द है ये भी। वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो हम लोग, वैक्सीन पासपोर्ट एक ई सर्टिफिकेट है जो नौकरियों और COVID-19 के परीक्षण स्थिति के रिकॉर्ड को संग्रहित करता है, यानी कि इसमें आपकी नौकरियों और COVID-19 से संबंधित परीक्षण इसमें शामिल होंगे। इसे आप लोग स्मार्टफोन ऐप या फिर अन्य डिजिटल फॉर्म में रखा जा सकता है, ठीक है। जब लोग एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करते हैं, अर्थात सीमाओं के पास जाते हैं, तो इसमें उपलब्ध जानकारियां का निरीक्षण सुरक्षा चौकियों पर किया जा सकता है। जहां आपने देखा होगा कि पासपोर्ट आपका चेक किया जाता था, वहीं इसको भी आप लोगों को चेक करवाना होगा, ठीक है, अगर आपने वैक्सीन ले ली है तो आप लोग आगे जा पाएंगे। और यह विचार टीकाकरण के प्रमाण पर आधारित है, जिसकी आवश्यकता महामारी से पहले भी कई देशों को की थी। कई अफ्रीकी देशों के यात्रियों को अमेरिका या भारत में यात्रा करने हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, उन्हें पीत ज्वर जैसे रोगों और टीका लगाया गया या नहीं लगाया गया, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा होगा इस तरह की बातें, कुछ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बात की जाती थी। आप समझिए, एक देश में कहीं अगर कोई बीमारी फैली हुई है, कोई वायरस फैला हुआ है, उस देश के नागरिक अगर दूसरे देश की यात्रा करना चाह रहे हैं तो उन्हें बताना होगा कि इस तरह की वैक्सीन कोई ली है आपने या नहीं ली है, ठीक है। फरवरी 2021 में इजराइल इस प्रमाणन प्रणाली की शुरुआत करने वाला पहला देश बन गया था, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेगा, तो याद रखिए इस तरह की प्रणाली लागू करने वाला देश कौन सा था सबसे पहले, तो ये था इजराइल, जो ऐसे लोगों को अपने यहाँ आने की अनुमति देता है जिन्हें COVID-19 की रोकथाम हेतु टीका लगाया गया है, यानी कि वैक्सीनेशन हो चुका है। अगर वैक्सीन के पासपोर्ट की अगर हम लोग कार्य की बात करें कि आखिर इसका काम क्या होगा, तो यह देशों में टीकाकरण रिकॉर्ड को डिजिटल करेगा और यह इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि वैक्सीन पासपोर्ट धारक को COVID-19 का टीका लगाया गया है और वह सुरक्षित है। एक तरह से आपने अगर वैक्सीन लगवा ली है तब आप लोग इस पासपोर्ट को बनवा सकते हैं, ठीक है। और वैक्सीन पासपोर्ट के संभावित लाभार्थी की बात करें तो इसका प्राथमिक लाभ पर्यटन,
और आतिथ्य उद्योगों को मिलेगा। ये दोनों क्षेत्र कोविड-19 के सबसे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यानी कि कहने का मतलब है, आपने देखा है कि पूरी तरह से पर्यटन रुक चुका है। हमारे यहाँ जो लोग घूमने आते थे वो पूरी तरह से रुक चुके हैं। या आप देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कई देशों की यात्रा करते थे, समझौता करते थे, तो आपने देखा है कि आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बैठकें आयोजित की जा रही हैं। तो इन लोगों को भी एक तरह से इस तरह की व्यवस्था हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री जो संक्रमण के फैलने के कारण बड़े पैमाने पर पीड़ित हुए हैं। और समान पहल की बात करें तो कई गैर लाभकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हेतु अपने स्वयं के संस्करण जारी कर रहे हैं। और याद रखिए, इस तरह का मुझे लगता है हमारे देश के अंदर भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम मालूम तो चलता रहेगा कि कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस आप अगर जा रहे हैं तो कम से कम चेक होने की कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। IATA ट्रेवलपास एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करने वाली वैश्विक व्यापार संस्था इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ट्रेवलपास नामक एक ऐप विकसित कर रही है, जिसे टीकाकरण के प्रमाण और इसकी वैधता की जांच करने हेतु एक साझा मंच के साथ एयरलाइंस और अन्य विमानन उद्योग हितधारकों को प्रदान किया जाएगा। और याद रखिए, इस तरह की जो भी पहले हैं उन्हें आप लोग पढ़ लिया करिएगा। मालूम चला कि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और कहीं आपसे इस तरह का पास मांग लिया जाता है, आपके पास नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हैं कितनी मुसीबत हो सकती है। कॉमन पास की भी बात की जा रही है। गैर लाभकारी कॉमन प्रोजेक्ट कॉमन पास नामक एक ऐप को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें एक यात्री का टीकाकरण रिकॉर्ड शामिल होता है। संस्थागत टीका पासपोर्ट से संबंधित चिंताओं की अगर बात करें तो WHO ने क्या कहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, याद रखिए WHO, यानी कि इसकी स्थापना आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, और इसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। इस तरह के जो भी आपके संगठन हैं, इनसे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। इनके बारे में हम लोगों ने बड़े विस्तार से बात भी की हुई है, तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी एक प्लेलिस्ट सूची ही बना दी थी, ठीक है, वहां जाकर देखते रहिए। कोविड-19 टीकाकरण के साक्ष्यों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हेतु आवश्यक किए जाने के खिलाफ है। कोविड-19 के प्रसार को कम करने में टीकाकरण की प्रभावकारिता अभी भी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। ये तो क्या है, चिंताएं हैं। एकरूपता का अभाव, क्रियान्वयन में प्रमुख कठिनाई आवश्यक क्षेत्र अधिकार में एकरूपता का अभाव है तथा टीकाकरण के साक्ष्य जारी करने में होगी। टीकों की अपर्याप्तता, यात्रियों के उच्च टीकाकरण से उन लोगों के लिए टीकों के अभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिन्हें कोविड-19 संक्रमण का उच्च जोखिम बना हुआ है, और यात्रा हेतु टीकाकरण को अनिवार्य बनाना सीमित वैक्सीन आपूर्ति की समान वैश्विक पहुंच में बाधा उत्पन्न करेगा, और समाजों तथा समग्र वैश्विक स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण के लाभों को अधिकतम करने की संभावना को कम कर देगा। आप समझ सकते हैं कि जो विदेशी यात्राएं जाएंगे एक देश से दूसरे, वो जल्दी जल्दी में जाएंगे कि हमें भी टीकाकरण होना चाहिए। तो इसी की बात की जा रही है कि एक इससे एक जो भी मुख्य धारा रहेगी उसमें जुड़ जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास पैसा होगा तो आप तो बहुत जल्दी एक तरह से टीका वैक्सीनेशन करवा लेंगे, लेकिन समाज का कुछ हिस्सा छूटेगा भी, ठीक है। और भेदभाव और असमानता, विशेषज्ञों का तर्क यह भी है कि वैक्सीन पासपोर्ट यात्रा में असमानता को बढ़ावा देगा, और इन डिजिटल पासपोर्टों की वजह से भेदभाव और असमानता बढ़ने से सामाजिक आर्थिक समूहों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अमीर देश जो पहले ही दवा कंपनियों से लाखों खुराक खरीद चुके हैं, इस दौड़ में आगे हैं, जबकि गरीब देशों को टीकाकरण शुरू करने हेतु महीनों इंतजार करना पड़ सकता है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि अगर आपके पास पैसा होगा तो आप बहुत जल्दी टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन करवा लेंगे। जिनके पास नहीं होगा पैसा, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसका मतलब है, यदि वैक्सीन पासपोर्ट को अनिवार्य किया जाता है तो निम्न आय वाले राष्ट्र इसका लाभ प्राप्त करने में पीछे रह जाएंगे। इससे यही युवा पीढ़ी बाहर हो जाएगी जो टीकाकरण की कतार में शामिल है। फिर एक और आपकी चिंता बनी हुई है, इसमें गोपनीयता से संबंधित चिंता। एक मुख्य रूप से डिजिटल प्रमाण पत्र है जिन्हें किसी विशेष सेवा प्रदाता द्वारा टीकाकरण के प्रमाण की जांच हेतु उपयोग किया जाता है, और इस बात की संभावना है कि इसका उपयोग अधिकारियों द्वारा इनके धारकों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। तो आप सभी लोगों को मालूम हो कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इसके भी आप देखेंगे कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं।
ठीक है। और आप भी जब आंसर लिखते हैं तब भी आप देखते होंगे कि आप लोग सकारात्मक पॉइंट लिखते हैं, नकारात्मक पॉइंट लिखते हैं, लास्ट में आप निष्कर्ष भी निकाल देते हैं, तो उसी जैसा इसका भी हाल है। ठीक है, तो आप लोगों को बस यही याद रखना चाहिए कि क्या है वैक्सीन पासपोर्ट, इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इन्हीं से क्वेश्चंस अगर बन सकता है तो पूछा जाएगा। ठीक है, और वैसे भी अगर आप एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर रहे हैं, घूमने जाने की सोच रहे हैं, तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।